आज की जो डिश है गाइस वो है प्याज के नाम। आज हम बनाने वाले हैं ऑनियन रिंग्स। ऑनियन रिंग्स के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली हमें एक कांदा चाहिए, ऑनियन, जिसे हम सीधा काटेंगे। ये रेसिपी होने वाली है 2 गुड़, और इसमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि आप में इसके अंदर कोई एक ही मसाला जाएगा। आप चाहिए तो आपके हिसाब से कोई भी मसाले डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर अपने नॉर्मल अपने घर के मसाले यूज़ किए और थोड़ा ऑरिगेनो डाला है। और गाइस हमें इसे सीधा काटने के बाद बीच में से जो बचा हुआ कांदा है उसे साइड में रख देना है, उसे फेंकना मत। आप बाकी चीज़ों में भी उसे यूज़ कर सकते हो। और जो ऑनियन रिंग्स है उसका हमें आगे यूज़ करना है। अब देख सकते हैं ऐसे ऑनियन रिंग्स आए, मेरे ठीक से नहीं आए, बट इट्स ओके। अभी हम लोग इसका बैटर बनाते हैं। तो बैटर बनाने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डालेंगे। मैदा डालने से क्या होगा, इसके ऊपर हल्की सी थोड़ी कोटिंग आएगी, ताकि जब हम बैटर बनाए तो बैटर इसके ऊपर आसानी से चिपक जाए। इसलिए थोड़ा सा हम मैदा इसके ऊपर डाल के साइड में रख देंगे। बैटर बनाने के लिए गाइस हमें 2 से 3 चम्मच मैदा लेना है, डिपेंड आपकी क्वांटिटी कितनी है। थोड़ा मैदा लेने के बाद हमें उसके ऊपर थोड़ा सा ये डालना है, क्या, नमक डालना है। नमक भी स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके ऊपर, एक एक थोड़ा सा, बस थोड़ा सा नमक। और इसके बाद हम लोग लेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। ये मेरे पास डोमिनोज की चिली फ्लेक्स थी तो मैंने डाल दिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है चिली फ्लेक्स चाहिए आपको, जो चाहिए आप आपके हिसाब से मसाला ऐड कर सकते हैं। मैंने चिली फ्लेक्स डाली, आप नॉर्मल मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मसाला भी मैं डालने वाला आगे जाके। और ये थोड़ी सी कोरिएंडर मिक्स कर देनी है हमें। और मिक्स करने के बाद इसे पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये सब मिक्स होने के बाद गाइस हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक आइडियल थिक लेयर बनाना है। याद रखें, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, थिक लेयर होना चाहिए, ताकि ऑनियन इसमें अच्छे से चिपके। और इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। और फॉर थोड़ा क्रंचीनेस के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डाला है। तो आप, मतलब वो ऑप्शनल है, आप कॉर्नफ्लावर डालो या नहीं भी डाल सकते हैं। अरे गैस पेटवलत नहीं पेटो ना। हाँ, तो ऐसा काम करते वक्त गलती हो जाती है, भूल जाते हैं लोग, कोई बात नहीं। बट इसमें मैं और एक बात, ये अपना मसाला ऐड करना भूल गया था, तो मसाला भी मैंने ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अभी हमें ऑनियन को लेना है, बैटर में डालना है गाइस, और बैटर में अच्छी तरह से उसे मिक्स करना है, ताकि बैटर चारों तरफ से लग जाए। और चारों तरफ से लगाने के बाद फिर हमें उसे अपना, मैंने रवा लिया है ताकि उस पर क्रंचीनेस आ जाए। आप चाहिए तो ब्रेड के क्रम्स भी ले सकते हो, बट मैंने रवा लिया है। और उसमें रवे में अच्छे से डिप करना है चारों तरफ से, मेक श्योर कि रवा चारों साइड से चिपक जाए। उसे अच्छी तरह से चिपकाना है। ऊपर से भी रवा आप डाल सकते हो। अच्छी तरह से रवा लगने के बाद फिर उसे हमें फ्राई करना है, और मेक श्योर कि अंदर का कांदा कच्चा ना रहे। हमें उसे मतलब 1 मिनट तलक, एटलीस्ट 1 मिनट तलक तो फ्राई करना ही है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से बस गोल्डन फ्राई हो जाए और नीचे से कांदा, अंदर से कांदा कच्चा ही रह जाए। तो मेक श्योर ये बात का ध्यान रखना। ऐसे सारे मेरे सारे अपने रिंग्स नहीं आए, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आपको ऐसे सारे सेम प्रोसेस सब सब ऑनियंस के साथ करना है। डिप करना है बैटर में और रवे में, डिप करके उसे फ्राई कर देना है। ये देखिए गाइस, ये फ्राई हो रहा है, तो पूरे अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुका है। और ये अच्छी तरह से अंदर से, आप चाहिए तो ऊपर से थोड़ा दबा के देख सकते हो, ताकि ये पूरा कांदा अंदर से भी पक जाए। थोड़ा मेंदू वड़ा जैसे फील दे रहा है ये, बट ये अच्छा हो चुका है आई थिंक। हाँ, अच्छा तो दिख रहा है। यस, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। सो गाइस, इसी तरह आपको बाकी के भी ऑनियंस इसी तरह फ्राई कर लेने हैं। मेक श्योर अच्छे से फ्राई करें, ताकि अंदर से ऑनियन मतलब कच्चा ना रहे। सो दैट्स इट गाइस, मेरे ऑनियन रिंग्स बन चुके हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं।
अब खाकर देखता हूँ कैसे लग रहे हैं। आप भी घर पे इसी तरह ट्राई कीजिए और अपने फैमिली को खिलाइए। लुकिंग वेरी टेस्टी। दैट्स इट फॉर टुडे। साइनिंग आउट। टेक केयर। बाय बाय।